हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, अजय देवगन की शैतान रिलीज हो गई है और हमारे आम आदमी क्रिटिक क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी ने देखी है पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो। यस, कैसी लगी आपको शैतान? शैतान साथ में है आर माधवन, ज्योतिका और बच्ची का नाम है जानकी। जानकी शैतान नाम ही खतरनाक है। शैतान फर्स्ट हाफ तो इतना अच्छा था। एक फैमिली जा रही है, अजय देवगन, उनकी बीवी, दो बच्चे, एक फार्म हाउस में जाते हैं। वहाँ पर कुछ एक कई होटल में बैठते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति आ जाता है, आर माधवन। वहाँ से मुलाकात हो जाती है वॉशरूम में। वैसे करते वो भी टेबल पे आके बैठ जाते हैं। उसको चाय पीनी थी, छुट्टे पैसे नहीं थे तो वो भर देता है, बोला ठीक है चलो मैं दे देता हूँ। फिर वहाँ आके बोलता है आप भी ज्वाइन कीजिए, तो बैठ गया वहाँ पर। वहाँ पर कुछ करते करते मतलब मैं तो कुछ खाता नहीं, ये भी ऑयली है, खाती नहीं है, तो आप ज्वाइन कीजिए, बोले ऐसे बात होती है। वहाँ से उसके पास एक लड्डू होता है बॉक्स में, बोला ठीक है आप लड्डू खाइए। तो दोनों बच्चे झगड़ दे, छोटा बच्चा और जानकी, तो जानकी खा ली थी। अच्छा, खा ली तो उसको कुछ अजीब से फील होता है। ओके, ये आर माधवन जो है लड़के को वश में करता है। हाँ, वो कहानी है। कहानी बहुत अच्छी है। फर्स्ट हाफ तो इतना अच्छा लगा। हाँ, जो ड्रामा जो हो रहा है घर के अंदर, कि जैसा टेंशन क्रिएट किया। हाँ, फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही जबरदस्त लगा। जैसा आर माधवन कहता है वैसे ही जानकी कर दी। जैसे वंश में ना, वंश में आ गई, मतलब अपने पिता को थप्पड़ मारे तो वो मारती है, मतलब तो बहुत कुछ ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं। ज्योति का, अजय देवगन, उसको बहुत से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके वश में है ना, जो बोलेगे वही वो करेगा। मतलब फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते जब क्लाइमेक्स आता है वहाँ थोड़ा मजा नहीं आया। क्या हो गया सेकेंड हाफ में आपको? मजा कम हो गया पिक्चर में? पिक्चर में मजा कम हो गया है, बोलते हैं कि अब तेरे बच्चे को मार देगी, वो तो मुझे मेरे हवाले कर दी, मतलब तो दान कर दिया हमें। तो बोला ठीक है, जो ऐसा बोलते हैं हर माता तो लोग करते हैं। हाँ, जब वो जाते हैं हाँ, तो वहाँ देखने के मतलब मंदिर के पास 108 लड़के और भी है। ओके, लेकिन 108 लड़के वंश में करने के बाद वो क्या करना चाहता? हाँ, वो चाहता कि मैं भगवान बनूं। नहीं, कुछ खुलकर ने बताया। ओके, लड़के वंश में करने के बाद ना उनसे कुछ शारीरिक संबंध करता है, ना उनसे कुछ मारता है, ऐसा कुछ बताया नहीं। हाँ, वहाँ पूरा पिक्चर का मजा खिड़खिरा हो गया। ओके, वहाँ हिल गई पिक्चर। पिक्चर हिल गई। ओरे बाप, क्यों वंश में करने जाते? क्या क्या कारण था? ना पुलिस उसे ढूंढ पाती है, ना कोई उसे ढूंढ पाता है। तो कारण क्या था, पिक्चर का मुद्दा क्या था? ये समझ गांव में 100 से ज्यादा लड़कियां गायब हो रही और पुलिस वाले नहीं ढूंढते। ये फिर उसका मुद्दा क्या था, कहानी का बेस क्या था? वंश में किया ठीक है, उसके बाद क्या? ये कुछ मजा नहीं आया। बाकी एंड में बहुत मजा आया, जब अजय देवगन किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह से उसको रखते हैं, वो मैं रिवील नहीं करूंगा। अब पिक्चर देखो, उसके लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। यस, एंड के लिए, एंड के लिए। बाकी फर्स्ट हाफ तो जबरदस्त है। यस, एक मैसेज भी दिया कि कोई इंसान अगर इधर ना बस में ट्रेन में कुछ खाने को दे तो ना खाइए, ये मैसेज अच्छा है। यस, एब्सोल्युटली परफॉर्मेंसेस अच्छे थे। परफॉर्मेंस तो जबरदस्त, अजय देवगन, जानकी, ज्योतिका, आर माधवन, सुपर लगा रहा था। नेगेटिव रोल में बहुत अच्छा हमको, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त लगा। ओके, सभी का काम बहुत जबरदस्त है, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, जो म्यूजिक, बहुत अच्छा लगा, बीजीएम बहुत अच्छा लगा। डरावना था ऐसे पिक्चरों में डरावना होता है, बहुत जरूरत पड़ती है। ऑल ओवर बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे सेकंड हाफ जरा थोड़ा सा हिल गया पिक्चर का, लेकिन क्लाइमैक्स में फिर से पकड़ी है। बोल रहे हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी, गाने वाने थे कुछ? गाने एक बैकग्राउंड में चलते, एक दो गाने अच्छे। ओके, मतलब ओके, पिक्चर भी अच्छी है, 2.25 घंटे की पिक्चर है, छोटी पिक्चर बनाई। क्या रेटिंग है फाइनली अजय देवगन की शैतान? पहली रिलीज है इस साल की अजय देवगन। फिर भी मैं बोलूंगा 3 दूंगा 5 में से 3। 3 स्टार। यस, खींच खींच के दिए हुए लग रहे विजय जी, 3 स्टार। ओके, फिर भी अच्छी, चलो एक बार देख सकते। राइट, ओके। छुट्टी का मौसम भी है, माहौल है, आज शिवरात्रि का दिन है, सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जाके देखिए शैतान, हमको बताना कमेंट्स में कि आपको फिल्म कैसी लगी। हमारे आम आदमी ने अपना ऑनेस्ट रिव्यू शैतान के लिए दे दिया है, जरूर देखिए। थैंक यू।